Hi everyone, I'm back with one more video, and in today's video you are going to learn two simple grammar rules that you can use when you translate Hindi sentences to English. My name is Trilekha and you're watching Lottolearn. Let's have a look on these sentences first. उन्हें चाहिए कि वे सही समय पर आ जाएं। बच्चों को चाहिए कि वे बड़ों का आदर करें। पड़ोसियों को चाहिए कि वे आसपास सफाई रखें। उसे चाहिए कि वो ज्यादा खर्चा ना करे। सरकार को चाहिए कि वो कड़े नियम बनाए। इन सभी वाक्यों में चाहिए और की कॉमन है। चाहिए के पहले के लिए हम इन वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करते वक्त इट इज फॉर का यूज करेंगे, की जगह हम दैट लगाएंगे और बाकी के वाक्य को शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस लगाकर बनाएंगे। इट इज फॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ड यूज करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जो हमने हिंदी के सेंटेंसेस देखे उन्हें हम इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं। हमारा पहला वाक्य है उन्हें चाहिए कि वे सही समय पर आ जाए। यहाँ चाहिए के लिए हम इट इज फॉर लगाएंगे, उन्हें के लिए देम, की के लिए दैट। इट इज फॉर देम दैट दे शुड कम ऑन टाइम। शुड यूज किया हमने और शुड के साथ हमने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ इट इज फॉर देम दैट दे शुड कम ऑन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बच्चों को चाहिए कि वो बड़ों का आदर करें। इट इज फॉर चिल्ड्रन दैट दे शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ हमने इट इज फॉर लगाया, चिल्ड्रन लगाया, फिर दैट यूज किया, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। नेक्स्ट वन इज पड़ोसी को चाहिए या पड़ोसियों को चाहिए कि वे आसपास सफाई रखें। इट इज फॉर क्योंकि पड़ोसी है, पड़ोसियों है, नेबर्स। इट इज फॉर नेबर्स दैट दे शुड कीप सराउंडिंग क्लीन। है ना ये कितना सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उसे चाहिए कि वह खर्चा कम करे। इट इज फॉर हर दैट शी शुड नॉट स्पेंड टू मच। द लास्ट वन इज सरकार को चाहिए कि वो कड़ा कानून बनाए। इट इज फॉर गवर्नमेंट दैट इट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज। अगर आपके दिमाग में ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। I asked you to translate three Hindi sentences to English in last video and I'm afraid no one has given absolute correct answer, but there were two who were almost right and they are, you can see their comments here. Let's learn our next rule. फिर हम कुछ examples देखते हैं। यदि मैं मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कपड़े जरूर लाऊंगा। जब तुम आओगे हम मूवी चलेंगे। यदि तुम पकाओगी मैं ज़रूर खाऊंगा। यदि मैं पढ़ाऊंगी तो वह पास ज़रूर होगी। जब तुम बुलाओगी हम ज़रूर आएंगे। अगर आप ध्यान दें इन सभी वाक्यों का प्रारंभ यदि या जब से हो रहा है। इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय हम यदि की जगह इफ लगाएंगे और जब की जगह वैन लगाएंगे। अब अगर आगे के वाक्य देखें तो दोनों ही वाक्य फ्यूचर टेंस के हैं। आओगी जाओगी इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो फ्यूचर टेंस के होते हैं। दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस के हैं पर जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तब हम पहले वाक्य का ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे और कॉमा के बाद वाले वाक्य का ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस में करेंगे। तो हम इसे डिटेल में एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल था यदि मैं मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कपड़े जरूर लाऊंगा। यदि मैं मुंबई जाऊंगा इसका ट्रांसलेशन होगा इफ आई गो टू मुंबई।
I will definitely bring clothes for you. Next one is, जब तुम आओगे हम मूवी चलेंगे. जब तुम आओगे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, हम मूवी चलेंगे भी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, पर हम इसे ट्रांसलेट करते वक्त जब के लिए वैन लगाएंगे, वैन यू कम, ना कि वैन यू विल कम. वैन यू कम वी विल गो फॉर अ मूवी. नेक्स्ट वन इज, यदि तुम पकाओगी मैं ज़रूर खाऊंगा. इफ़ यू कुक I will definitely eat. Next one is, अगर मैं पढ़ाऊंगी वह पास ज़रूर होगी. If I teach, she will definitely pass the exam. जब तुम बुलाओगी मैं ज़रूर आऊँगा. When you call, I will definitely come. तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंग्लिश बोलें या ऐसे वाक्यों को बोलें, ये ध्यान रखें कि दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में होने के बाद भी हम उनका ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं. एक वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करते हैं और आगे वाले वाक्य को हम फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करते हैं. तो कोशिश कीजिए कि आपसे ये मिस्टेक ना हो. अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ. अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.